सुनिश्चित करना है कि बूथ पर कोई नव मतदाता, बुजुर्ग कार्यकर्ता और लाभार्थी मतदान से वंचित न रह जाए। हर पन्ना प्रमुख घर घर जाकर हमारे प्रदेश, हमारा संदेश एवं हमारी सरकार की जन कल्याणकारी को योजनाओं को बताएं सबको। हर बूथ प्रमुख अपने बूथ पर सर्वाधिक मतदान जुटाएं। आप सब सारी बहुत आप सब बहुत भारी बहुत से बहुमत से मुझे जिताएंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, इसका हम पूरा कर रहेंगे। और आपने मुझे वापस एक यहाँ का सांसद बनने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। साथियों, अब मैं देश के लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जन नायक और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की गाथा लिखने वाले परम पूजनीय महाराज जी से आग्रह करूंगा, वो आए और आकर सभा को संबोधित करें। पूज्य महाराज जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, यमुना मैया की, गौ मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मथुरा लोकसभा सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी और मथुरा की लोकप्रिय सांसद के रूप में, जिन्होंने इस पावन क्षेत्र को एक नई पहचान दी है, भारत की सिने जगत की सुविख्यात अदाकार श्रीमती हेमा मालिनी जी, आज उन्होंने नामांकन किया है इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर। तीसरी बार उनके नामांकन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, राज्यसभा के माननीय सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष मथुरा जनपद श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी, प्रभारी अशोक कटारिया जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पूरन प्रकाश जी, ठाकुर मेघ श्याम सिंह जी, श्री राजेश चौधरी जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, विधान परिषद सदस्य योगेश चौधरी जी, पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष आरएलडी श्री राजपाल भंगर जी, पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी, हमारे पूर्व विधायक गण
श्री कारिंदा सिंह जी, चंदन सिंह जी, पणत पाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण और आज के इस नामांकन सभा में यहां पर उपस्थित सभी हमारे उपस्थित महानुभाव कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा को, राधे रानी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज से मथुरा प्रतिष्ठित लोकसभा सीट का नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो फिर जनता जनार्दन की अदालत में, लोकतंत्र के इस पूरे पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर आएगा। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं, लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें, यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति है, सहमति हो सकती है, हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की, सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है।
बहनों और भाइयों, एक लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। अब पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायंकाल वाराणसी गया और आज फिर मथुरा में, फिर आपके बीच में यहां पर आया हूं। तो उत्तर में चाहे वह सहारनपुर बिजनौर हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाते हैं। सभी जगह से एक आवाज है और बहनों और भाइयों, यह आवाज वैसे ही नहीं है। पहली बार भारत ने, भारतवासियों ने एक ऐसी सरकार को देखा है जो सरकार भारत के अंदर भारत की भावना के अनुरूप, भारत के नागरिकों की सम्मान की रक्षा करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए, उनकी समृद्धि के लिए और राष्ट्रीय स्वाभिमान को 36-56 इंच चौड़ा करते हुए दुनिया के सामने भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वैश्विक मंच पर बड़ी हुई प्रतिष्ठा हो, चाहे सुरक्षित सीमाएं हो, देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का हो, भारत की परंपरागत परंपरा और संस्कृति में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्यों नहीं इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिया। मोदी जी तो पिछले 2 बार से ही काशी से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को तो 60 वर्ष लगे थे और 60 वर्ष तक उनका प्रतिनिधित्व काशी से था, क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रतिनिधि और क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने काशी के बारे में सोचा, क्यों नहीं उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा। आखिर सपा बसपा कांग्रेस इन सभी को आपने अवसर दिया था, यहां पे नगर निगम बनाने का काम हो या भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, यहां पे मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल बलदेव गोवर्धन नंदगांव इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करने का कार्य था, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो, जब यहां की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी थी तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने यह तीर्थ स्थल घोषित करते हुए और फिर यहां के समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज आप देख रहे होंगे, आज तो देख रहे होंगे इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया? कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको
त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा। हेमा मालिनी जी तो अयोध्या गई थी, उन्होंने प्रभु राम के सामने मंचन किया और वे स्वयं विभूत थी वहां देख करती। अयोध्या पहले पतली गलियां थी, कुंज गलियां थी, मथुरा वृंदावन की तरह ही कुंज गलियां थी, और आज आप जाके देखिए 4 लेन और 6 लेन आपको दिखाई देगा वहां पूरा। हर व्यक्ति खुश है, व्यापारी खुश है, वहां का नागरिक खुश है, होटल संचालक खुश है, रेस्टोरेंट संचालक खुश है, फूल पत्ती बेचने वाला खुश है, टैक्सी चालक खुश है, नाविक खुश है, और सबको खुशी इस बात की है कि 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में प्रभु रामलला के विराजमान हो गए हैं और उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइनअप कर दिया है। सरकार का काम है लाइनअप करना और उसपे फंड उपलब्ध कराना, जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रज भूमि पर। अब ब्रज भूमि पर हम पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहां के कुंडों के बारे में, या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए। और यहां का संदेश देखो, अयोध्या मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है, अब मथुरा इंतजार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा। भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता लगेगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को देशवासियों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा भी आवश्यक है। हमारे पास जो संभावना होगी हम उसी में विकास कराएंगे, जो संभावना होगी उसमें हम विकास कराएंगे, जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा, उसमें हम कार्य करेंगे। हमारे पास सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, हम उसको विकसित करेंगे। यमुना मैया में इसकी शुद्धि के साथ साथ जो कुछ भी अन्य कार्य करने होंगे हम लोग करेंगे। यमुना मैया की तो साक्षात कृपा हम पर बरसती है, आपने पिछली बार वैष्णो कुंभ को देखा होगा कितना शानदार तरीके से हुआ था, कुंभ का आयोजन से लेकर के कार्यक्रम के समारोह तक, पूर्णाहुति तक कोई विघ्न बाधा नहीं, और जैसे कुंभ की पूर्णाहुति होती है उसके बाद पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी की चपेट में कैसे देश आया था, उस समय कितना और लग रहा था हम लोग, आप सोचो अगर यहां पे कुंभ के दौरान होता क्या स्थिति होती। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि
यमुना मैया की कृपा थी, राधे रानी की कृपा थी, कृष्ण कन्हैया की कृपा थी कि ये सारे कार्यक्रम हमारे सकुशल संपन्न हुए और हम इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाए। और इसीलिए यहां के विकास के लिए कहा जाता है कि जितना कुछ कर लें वह कम होगा। और यहां की पहचान को इसलिए हमने कभी रंगोत्सव के रूप में, कभी कृष्णोत्सव के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज यहां अच्छे ऑडिटोरियम बन रहे हैं, अच्छा बस स्टैंड बना है, एयर ओपन थिएटर बन रहे हैं, आज यहां पे परिक्रमा के मार्गों के पुनरुद्धार की बात होती है, आज यहां पर यहां के काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर यहां पे मंदिरों के पुनरुद्धार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने की चर्चा होती है। नमामि गंगे परियोजना के तर्ज पर यमुना मैया को भी शुद्धिकरण से जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है। बहनों और भाइयों, ये चर्चा इस बात की शुरुआत है, हमने अच्छी शुरुआत की है। ये चर्चा इस बात को बताता है हमारी शुरुआत अच्छी हुई है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। और अच्छे परिणाम के लिए अच्छी सरकार आवश्यक है, अच्छे प्रतिनिधि आवश्यक है, रुचि लेने वाले प्रतिनिधि आवश्यक है। और रुचि लेने वाले प्रतिनिधियों में ही मैंने जो आपको कहा ब्रज तीर्थ विकास परिषद का जब गठन होना था तो समय अपने एक लंबे कला जगत के अनुभवों का लाभ श्रीमती हेमा मालिनी जी ने हमारी सरकार को हमें उपलब्ध करवाया था। और कैसे इसका गठन होना है, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कैसे हम इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा भी, यहाँ की वो भी संरक्षित रहे लेकिन यहाँ का विकास भी हो, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे थे। और आज उसी का परिणाम है कि हम इस क्षेत्र के लिए कुछ कर पा रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए भी कर रहे हैं और महामाया के रूप में मां विंध्यवासिनी धाम के कार्यक्रम को भी हमने पुनरुद्धार करके रख दिया। वहां कभी जाइए आप विंध्यवासिनी धाम में कभी जाइए आप। पहले संकरी गली थी, दो लोग एक साथ नहीं जा सकते थे और आज 100 लोग भी एक साथ जाएंगे ना आसानी से, वहां जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी के दर्शन आसानी से हो सकते हैं। क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करते हैं क्या? क्या काशी विश्वनाथ धाम का काम ये लोग कर पाते क्या? क्या मां विंध्यवासिनी धाम में जो काम हो रहा है, जो काम हुआ है, क्या ये लोग कर पाते क्या? मथुरा वृंदावन बरसाना में ब्रज क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है क्या ये लोग कर पाते क्या? अयोध्या में जो कार्य हुआ है क्या ये लोग कर पाते क्या? व्यापारी और बेटी को जो सुरक्षा मिली है क्या ये कांग्रेस सपा और बसपा के लोग कर पाते क्या? इनकी तो व्यापारी के लिए भी और बेटी के लिए भी इनकी धारणा क्या, इनकी मानसिकता क्या है, इनके भाषणों से आप सुन सकते हैं। जब ये लोग कर ही नहीं सकते, न ये विकास करा सकते, न देश को सुरक्षा दे सकते हैं, न हमारी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, न गरीब कल्याण ही का काम कर सकते हैं और न बेटी और व्यापारी को ही सुरक्षा दे सकते हैं तो देश को इस बोझे को क्या लेकर के चलने की आवश्यकता है क्या? चलने की आवश्यकता है क्या? मैं ये प्रश्न आप मथुरा वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों से कोई आप उम्मीद करते हैं क्या? जब उम्मीद नहीं करते हैं तो फिर अपना वोट खराब क्यों करना चाहते हैं? ये वोट, ये जो मतदान देने की हम अपील कर रहे हैं इस आधार पर कर रहे हैं कि वर्तमान भी हमारा सुरक्षित और उज्जवल रहे और भविष्य भी उन्नत और उन्नति की नई प्रकाशता को प्राप्त करके विकसित भारत की संकल्पना को हम अपनी आंखों से देख सके और विकसित भारत की संकल्पना को ही साकार करने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, हर भारत की इनकम कई गुना बढ़ेगी, हर भारतवासी की इनकम बढ़ेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य और द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे, तब हम लोगों को किसी के सामने विकास के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देगा। और इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मथुरा लोकसभा सीट पर तीसरी बार श्रीमती हेमा मालिनी जी आपके बीच में है। पिछली बार यानी पिछली दो बार जितने वोटों से आपने जिताया है, इन दोनों को जोड़ करके जितना बनेगा उससे ज्यादा वोटों से जिताने की जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे फिर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।